Our new chapter, that is Journey to the End of the Earth, and the writer of this particular chapter is Tishani Doshi. Let me give you the brief introduction to this particular chapter. In Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi describes the journey to the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica, and the world's geological history is trapped in Antarctica. Geoff Green's Students on Ice program aims at taking high school students to the needs of the world. Doshi thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past and future. So this is a brief introduction of this chapter, that is Journey to the End of the Earth. And here this line completely reflects the purpose of this particular chapter, that if you want to know more about the planet's past, present and future, Antarctica is the place to go to. Bon voyage is good luck, happy journey. यहाँ पर राइटर का बेसिकली पर्पस हमारे को प्लैनेट अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कनेक्टिविटी एंटार्क्टिका से क्यों है, कैसे है और हमें ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर ये पूरा जो है चैप्टर बेस्ड है. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकास्पी. जो रशियन रिसर्च वेसल है उसका नाम एकेडमिक शोकास्की है. हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट, वो सबसे ज़्यादा ठंडा और ड्राई और बहुत ही विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा, एंटार्क्टिका. और जो जर्नी है इस पर्टिकुलर वेसल की वो कैसे बिगिन हुई और कहाँ से, द जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड एट लीस्ट एज मैनी इको स्फीयर. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस जर्नी स्टार्टेड 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास एंड क्या क्या पास ऑन हुआ, 9 टाइम जोन्स. 9 टाइम जोन्स का मतलब जैसे अलग अलग टाइम जोन्स अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं, वो 9 टाइम जोन्स पास हुए. देन 6 चेक पॉइंट्स, चेकिंग करते हैं वेसल को आगे, अगर आप किसी की बाउंड्री को क्रॉस करते हो तो वो 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 वाटर की बॉडीज़ और एज मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स जो है वो पास ऑन किए थे उस पर्टिकुलर वेसल ने अपनी इस जर्नी टू एंटार्क्टिका को रीच करने के लिए. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जो राइटर है वो उसको 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करना पड़ा, कार, प्लेन एंड शिप, और तो इन टोटल 100 आवर्स की जर्नी थी. वो जर्नी बहुत ही आसान नहीं थी, ये सब चीज़ें जो है उसको गो थ्रू करना पड़ा. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एंटार्क्टिका को एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप कहा गया है, एंटार्क्टिका को कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कहा गया है, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन. वाइट एक्सपेंसिव मतलब वहाँ पर सिर्फ आइज ही आइज है, बिल्कुल आइज ही आइज, तो इसलिए वाइट एक्सपेंसिव वर्ड यूज़ किया है. अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, और जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है द अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ. उसको रिलीफ का कारण बोला गया, रिलैक्सेशन का कारण बताया गया है, क्योंकि हम सबको नेचर बहुत पसंद है और वहाँ पे वाइट प्योरिटी है और ब्लू होराइजन बहुत ही क्लियर दिख रहा है. Followed up with an immediate and profound wonder, और उसको wonder बोला गया है क्योंकि इस तरीके का जो view है वो city life में देखने को नहीं मिलता. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. और इस चीज़ को वो wonderful experience कहा गया है, क्योंकि वो जो island है अंटार्कटिका, जो कॉन्टिनेंट है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है.
और वहाँ पर जो है किसी भी तरीके का हसल बसर नहीं है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अभी हमें आगे मिलेगी। 650 million years ago, कितने साल पहले, 650 million years ago, अ जायंट अमैलगमेटेड सदर्न कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे। और गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस टाइम पे जो चीज़ें थी, 650 मिलियन ईयर्स अगर की बात करें हम, तो चीज़ें डिफरेंट थी वहाँ पे। तब ह्यूमंस आए नहीं थे इस ग्लोब पर, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और तब क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा वार्म था और बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी जो है इस प्लैनेट पर दिखती थी। और फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। और तब डायनासोर्स जो है, जब गोंडवाना थ्राइव हुआ तो 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तब डायनासोर्स जो है वो रिसेंटली इस ग्लोब से वाइप आउट हुए थे और एज ऑफ मैमल्स अभी स्टार्ट ही हुई थी और ये जो लैंडमास है वो सेपरेट हो गया था। द लैंडमास वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। और इस ग्लोब की जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंट थी अगर हम उस टाइम की बात करें और आज से कंपेयर करें तो। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। जो एंटार्क्टिका से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लाइक टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हमारे रूट्स कहाँ से थे और हम अब आगे कहाँ जाएंगे। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। और ये सब चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें जो है, ये सारे चेंजेस जो है हमारे सराउंडिंग में, वो दिख रहे थे कि ओजोन और कार्बन, देन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, कुछ चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, कुछ चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही, होना शुरू हो गई। वैन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। और वो कहता है कि इस मिलियन ईयर्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग और दिमाग को हिला देने वाली जो है घटनाएं जो है, जो हम अगर स्टडी करें तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे इससे। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, एंड फ्राम द हिमालया साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम पोलर करंट। ये सब जोग्राफिकल चेंजेस यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं जो इस इतने सारे मिलियन ईयर्स के गैप में हुए, वो सब चेंजेस जो हैं इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। और वो कहते हैं कि जो ग्लोब की जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट थी अगर हम तब और अब की बात करें, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और उन सब जोग्राफिकल चेंजेस में एंटार्क्टिका को सबसे आइसोलेटेड और सबसे अलग जो है वो बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में उसको जगह मिली। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, तिशानी दोषी जो है वो मद्रास से बिलोंग करती है और आपको सबको मालूम है कि साउथ इंडियन जो है वो सन की वर्शिप करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य देवता को नमस्कार करना, वो उस कल्चर को बिलोंग करती है। और टू वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट। और एंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस कहें तो जहाँ पे 15 दिन में एक बार सूर्य देवता के दर्शन होते हैं और वो भी इतना चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो सब फ्रीज कर देने वाला, उतना ठंड है। नॉट जस्ट
for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. Or imagination bhi circulatory aur metabolic functions ke saath jo hai wo freeze ho jati hai, aur kuch sochne samajhne ki shakti jo hai wo kam ho jati hai. It's like walking into a giant ping pong ball. Antarctica mein movement ka matlab hai ek badi si white ping pong ball pe aap जो है वो घूम रहे हो, devoid of any human markers. वहाँ जहाँ पे कोई human marker नहीं है, कोई trees नहीं है, कोई hustle and bustle और flashy lights और शोर शराबा नहीं है, सुंदर buildings नहीं है, कोई market नहीं है, कोई shops नहीं है. You lose all earthly sense of perspective and time here. और Antarctica में ना आपको feeling आती है कि आप earth में ही हो या किसी और दुनिया में पहुँच गए हो. वो सारे प्रोस्पेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं जब आप एंटार्क्टिका पे पहुंचते हो. द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज. और अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो वहाँ का जो विजुअल स्केल है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है और इतना ज़्यादा सरप्राइजिंगली एक अलग सा ही लुक देने वाला. जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही उतनी बड़ी दिखती हैं कि ब्लू वेल्स की बात करें तो बिल्डिंग से भी बड़ी बड़ी वेल्स दिखती हैं. और अगर हम माइटी और माइट्स और मिजेस की बात करें वो माइक्रोस्कोपिक वो जो इंसेक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स भी वहाँ पर रहते हैं. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरील. और उस सराउंडिंग को सरील और सरीन बोला गया है, ब्यूटीफुल बोला गया है, प्योर बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वाइट एक्सपेंसिव ही है. On in surreal 24-hour austral summer light and an ambiguous silence. Ambiguous का मतलब है कि वहाँ पे सब जगह पर सिर्फ silence ही है और कुछ नहीं है. और interrupted only by the occasional avalanche. और कभी कभी जब snowstorms होती हैं तो जो आवाज़ें जो हैं वो snowstorm की वजह से ही हैं. और carving ice sheet consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history. And for humans the prognosis isn't good. और अगर हम अपने आप की बात करें, humans की बात करें, तो जो ये सब चीज़ें हम observe करते हैं उस Antarctica में, तो अगर उसको अगर हम बैठ कर सोचने लगें, उसको thought देने लगें या उसकी knowledge के ऊपर work करें, तो वो अच्छी बात नहीं है. अब वो जानते हैं कि उसमें ऐसा अच्छा क्या नहीं है, या वो इस जो राइटर है वो इसको क्यों हाईलाइट कर रहा है इस बात को कि, और वो कह रहा है कि ये अच्छी इट्स नॉट गुड, द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड, या जो नॉलेज है वो अच्छी नहीं है. अगर हम हिस्ट्री की बात करें एंटार्क्टिका से कनेक्टिविटी में, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन बीइंग्स ने जो है वो ऐसा क्या किया जो हमारे को जो है इसके बारे में जो है जानना इतना ज़रूरी हो गया. और चैप्टर ये जो है हाईलाइट करता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स ने इस सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है. ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 ईयर्स बैरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस. वो कहते हैं कि अभी सिर्फ हमारे को 12,000 साल ही इस धरती पर हुए हैं. अगर हम ह्यूमन की प्रेजेंस को की बात करें और अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो कुछ सेकेंड्स ही हुए हैं हम इस धरती पर आकर, और हमने इतना जो है रकस मचा दिया, इतना जो है डिस्टर्बेंस मचा दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. हमारी डोमिनेंस जो है वो नेचर पर, जिसको हमने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर उसकी नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर विलेजेस बना दिए हैं, टाउन्स बना दिए हैं, सिटीज़ बना दिए हैं, मेगा सिटीज़ बना दिए हैं. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो भी बहुत ही डिज़ास्ट्रस है. हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दी unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. और इतना ज़्यादा pollution कर दिया है कि हमने carbon dioxide का blanket बना दिया है आसपास हमारे को. सिर्फ
हार्मफुल गैसेस ही ब्रीद करने को मिलती हैं एंड विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. और इन सब की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमारी सराउंडिंग में हो रही है. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस डिबेटेबल इशू है. कंसिस्टेंटली जो है ये डिबेट हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है, कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल है, कुछ लोग कहते हैं ये ह्यूमन बींग की वजह से है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. और ये डिबेट कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है. विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. वो कहता है कि ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा. वो कहता है ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता. ईदर वे एंटार्क्टिक इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. और एंटार्क्टिका की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस पूरे डिबेट में. नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन. इसलिए नहीं कि वहाँ पर एक वही ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कभी नहीं एग्जिस्ट हुई एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट. और वहाँ पर वो जो एंटार्क्टिका की बात करें तो वहाँ ह्यूमन्स नहीं है. क्या वो इसीलिए इतना प्रिस्टीन है, इसीलिए ही वहाँ पर कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाई है, सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और जो होराइजन है वो इतना ब्लू और क्लियर दिख रहा है? बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. और हमें अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो उसके आइस कोर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें इस अर्थ की हिस्ट्री का जो है और इसका प्रेजेंट का और उसका फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं. लाइक इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस फॉर इट. एक प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन द आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोवास्के एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प दैम foster a new understanding and respect for our planet. और ये student on the eyes program जो है इसका purpose high school students के बच्चों को ले जाना इसीलिए था ताकि वो world के बारे में जान सकें, educate हो सकें और बहुत सारी opportunities जो हैं वो grasp कर सकें और अपनी नई understanding और respect towards planet को develop कर सकें. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. और इस प्रोग्राम की बात करें तो ज़्यादातर जो है इसको हेड किसने किया था? कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने. एंड वो थक गया था सेलिब्रिटीज़ को ले जाकर उस पर उस प्रोग्राम में, या फिर रिटायर्ड और रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को जो रिटायर हो चुके हैं उनके पास और कोई काम नहीं है बट वो क्यूरियस है, वो एडवेंचर को करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उन वो लोग जो है इस स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम में जाते थे और वो बहुत ही कम जो है इसका फ़ायदा उठा पाते थे और दे पाते थे दुनिया को. तो इसीलिए इस बार इस प्रोग्राम ने हाई स्कूल के बच्चों को ले जाया गया. विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, आने वाले टाइम में वो पॉलिसीज बनाएंगे, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट. और इस एज में जब वो वहाँ गए या जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे अपनी सराउंडिंग की नॉलेज को, फिर सीखेंगे उससे और फिर कुछ वापस आने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आज की डेट में. हम बातें सब करते हैं, हमें सब समझ है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके.
उसके लिए, उसको इस धरती को बचाने के लिए, अपनी सराउंडिंग्स को मोर प्योर करने के लिए. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बिन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट. और वो कहते हैं कि इस प्रोग्राम का सक्सेस जो है वो एक वजह है इतनी एक्सट्रीम सराउंडिंग्स में जाना और वहाँ पर जाकर सर्वाइव करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल एस्पेक्ट है और वहाँ पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. एक वजह यह है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने की कि लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है उस प्रोग्राम के ज़रिए कि कैसे वो लोग उस जगह पर रहे और सर्वाइव किया उन्होंने और क्या क्या सीखा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स ईजी टू बी ब्लेज about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. Program mein sunna, logo ki baaton se sunna ya TV pe dekhna जो है वो इम्पैक्ट नहीं लाता जब आप अपनी आंखों से खुद देखते हैं कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. और जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वो सच में हो रहा है. वो सामने दिखता है आपको जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हुए, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. अपने घर के कम्फर्ट जोन में एक टीवी में बैठ कर देखना और उस जगह पर लाइव जाकर देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज ग्रैस्प करते हो और आप बहुत ज़्यादा सीख कर आते हो जब आप ऐसी जगह पर खुद जाते हो. तो एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस. अब एंटार्क्टिका की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इकोसिस्टम है वहाँ का. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा हसल बसल नहीं है और इसीलिए वो परफेक्ट प्लेस है अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को स्टडी करने का कि कैसे जो है इतनी बड़ी बड़ी जो रेपरकशंस हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में जो इतना ज़्यादा उथल पुथल है वो इतना पास से आप जाकर वहाँ देखते हो और उसके रिएक्शंस को आप समझते हो जब आप एंटार्क्टिका में जाते हो. सो दीज टेक दी माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लांकटन. माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लांकटन होते हैं, बहुत ही स्मॉल स्पीशीज़ है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है. दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन. और पूरी सदर्न ओशन की अगर हम फूड चेन की बात करें तो वो फाइटोप्लांकटन्स पे डिपेंड है. और फाइटोप्लांकटन्स क्या हैं? दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट द कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये फाइटोप्लांकटन जो है वो सन की एनर्जी को जो है यूटिलाइज करते हैं, कार्बन को जो है वहाँ से कंज्यूम करने के बाद जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जिसमें आपको वाटर और सनलाइट और कार्बन की ज़रूरत होती है वो पूरा प्रोसेस के साथ फाइटोप्लांकटन जो है अपनी अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाते हैं. और पूरी सदर्न स्पीशीज़ जो है सदर्न ओशन की स्पीशीज़ जो है उन फाइटोप्लांकटन पे सर्वाइव करती हैं. साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लांकटन. और जो ओजोन लेयर में होल कर दिया है हमने, हमारी एक्टिविटीज ने, ह्यूमंस की एक्टिविटीज ने, वो डेंजरस हो सकता है इन फाइटोप्लांकटन के लिए. और सोचिए कि सदर्न चेन, सदर्न ओशन में जो रहने वाले स्पीशीज हैं उनकी पूरी चेन फाइटोप्लांकटन पर डिपेंडेंट है और फाइटोप्लांकटन ही एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो कितना ट्रबलसम बात है. Which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. और इसका impact जो है animals पे, birds पे और global carbon cycle पे भी आएगा. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of small things and big things will fall into place. वो कहते हैं कि अगर हम फाइटोप्लांकटन्स का ध्यान रखने लग जाएं या इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लग जाएं, जैसे कि फाइटोप्लांकटन एक सिंगल सेल प्लांट है और उसके ऊपर देखिए कितना कुछ डिपेंडेंट है
कितनी स्पीशीज़ की लाइफ डिपेंडेंट है, ग्लोबल कार्बन साइकिल डिपेंडेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही अगर हम ठीक करना शुरू कर देंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप में ही अपनी सही जगह। इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है इस चैप्टर के थ्रू राइटर हम सबको देना चाह रहा है, वॉक ऑन द ओशन इज़ द नेक्स्ट पार्ट। माय एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south। और वो अब इस लोकेशन की बात कर रहा है जहाँ पे उनकी वेसल जो है एक जगह पर आकर अटक जाती है। द शवास्की हैड managed टू वेज हर सेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ द आइस बिटवीन द पेनन्सुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड द हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। और जहाँ पर एक पॉइंट पर आकर जे वेसल रुक गया तो कैप्टन को उल्टा मोड़ने की अभी इंस्ट्रक्शंस ही मिली थी। उतनी देर में जो टीम लीडर है उसने अपने 52 क्रू मेंबर्स को जो है ओशन पे चलाना शुरू कर दिया। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस निटेड आउट इन द गोर टेक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट हाउएवर अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। और वो एक्सपीरियंस इतना डिफरेंट था कि उनको इमेजिन कर पा रहे थे कि लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर है, इतने सारे स्पीशीज उनके नीचे हैं 180 मीटर्स उस थिक आइस के ऊपर जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। तो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इन द पेरिफेरी क्रैबीटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवेलेशन, एवरीथिंग गोज इन डीड कनेक्टेड। ये सब चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स। लेटर आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस एंड प्ले ऑन आवर प्लानट। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? वो बात कर रहा है कि इतने सारी हमारे को different experience मिला, हमने 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies और इतने सारे ecospheres को travel करा और हमें ये सीखने को मिला कि कितना ब्यूटी ऑफ बैलेंस है। अगर हम प्लैनेट की बात करें या हमारे सराउंडिंग्स की बात करें तो सारी चीज़ें कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम, और कैसा लगेगा कि एंटार्क्टिका अपनी पुरानी पोजीशन पे हो जाएगा, पहले जैसा वार्म हो जाएगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम उस टाइम पे ज़िंदा होंगे ये नज़ारा देखने के लिए? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या फिर हम डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस की तरह एक्सटेंट हो चुके होंगे? हुज़ टू से, किसी को नहीं पता। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु विल स्टिल हैव द आइडलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, बट बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो 2 हफ्ते उन टीनेजर्स यंग बच्चों के साथ, इस आइडियलिज्म के साथ कि ये धरती को बचाएंगे, ये दुनिया को बचाएंगे, दे आर गोइंग टू सेव द अर्थ, ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। और वो राइटर ये मैसेज देना चाह रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है इन मिलियन ईयर्स में, बट वो एक दिन उनको वो मिला उसका कितना ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। वो एक दिन जिसमें आपकी सोच बदल जाएगी, देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके एक्शंस बदल जाएंगे, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन दिस प्लैनेट।
So here's a little bit about Tishani Joshi, the writer. Tishani Joshi was born in the city formerly known as Madras in 1975. She has published 6 books of poetry and fiction. Her essays, poems and short stories have been widely anthologized, and you can read a lot more about Tishani Joshi from this paragraph. And here's the summary of the chapter, detailed summary of the chapter, which will help you to revise the chapter thoroughly. And here are some quick notes which you can go through, which will give you the clear picture of the chapter again very clearly. And here are some less common words with their meanings, which will clarify the chapter more easily to you all. And I would like all of you to copy down these question answers. I'll be sharing the PDF of these question answers, a separate PDF of this question answer, so that you can have a clear picture of this particular chapter. And also this roadmap gives you the total outline of the chapter. See, beginning of the journey, then Gondwana, southern supercontinent, what human impact, then student on the ice program, then phytoplankton, a walk on the ocean. So here it gives you the clear picture of the chapter, which you can go through and understand the chapter more thoroughly. And with this, we'll come to the end of the chapter, and I'll post some more question answers and extracts from this. Please pen down those in your notebook. Thank you so much.